वेलकम बैक व्यूअर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी थिएटर के बारे में. जैसे आप सबको ही पता है कि थिएटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में, और सब जो एक्टर्स और हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, जितने भी एक्टर्स ड्रामा आर्टिस्ट हैं, सब ने थिएटर से स्टार्ट किया. लेकिन एक चीज़ है कि थिएटर को अब लोग पहले जिस तरह जाते थे, देखने जाते थे, उस तरह नहीं, इतना नहीं जाते. उसकी बहुत सी वजूहात हैं, कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नहीं लोग अपने बच्चों को लेके जाते. लेकिन बहुत अच्छे प्लेस दोबारा से आने लग गए हैं. आज जिनसे हम बात करेंगे, थेस्पियंस थिएटर है, इनके बारे में हम बात करेंगे. इनके फाउंडर हमारे साथ हैं, फैसल मलिक. इनसे हम बात करेंगे कि थिएटर में क्या क्या हो रहा है, कौन से नए प्लेज वो लोग कर रहे हैं, कौन कैसा रिस्पांस आ रहा है. लेकिन उससे पहले हमने एक छोटा सा, उनसे मिलवाने से पहले एक छोटा सा पैकेज बनाया उनके थिएटर के लिए. आइए वो चल के देखते हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे. देखा आपने ये छोटा सा पैकेज हमने बनाया था. आइए मिलते हैं फैसल मलिक से. अस्सलाम वालेकुम फैसल. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल एवन, आप सुनाएं. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. एक तो हम दोनों मलिक आज बैठ गए, लेकिन आप पक्के वाले मलिक होंगे. मैं तो बनी हूँ बाद में मलिक, इसलिए मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं. अब भी आप मलिक बन गए हैं, इसका मतलब 10 साल से मलिक हूँ. अच्छा, एनीवेज मुझे बताएं फैसल के 2005 में आपने फॉर्म किया अपना थिएटर कंपनी जो है, कैसे इंटरेस्ट हुआ, कैसे सोचा कि एक थिएटर कंपनी बना ली? अब शुरू से ही था कि कुछ अगर एक्टिंग में करना है तो कुछ स्टेज पे जाके किया जाए, क्योंकि स्टेज की जो एक्टिंग है वो प्राइमरी एक्टिंग कहलाती है. तो टेलीविजन तो फिर उसके बाद सेकेंडरी में चीजें आता और है, हमारे तो थिएटर जो है वो बेस होती है. एग्जैक्टली बिल्कुल. पर आप ये देखेंगे पाकिस्तान में जितने बड़े एक्टर्स हैं, उन जितने लोग हैं, उन सबने थिएटर से स्टार्ट. मैं वही कह रही ना कि मतलब, और जब उनके, मैंने जब भी लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, शकील साहब के, काजी वाजिद, इन लोगों के, सब अपने थिएटर को नहीं भूलते. वो कहते हैं आज तक हमें थिएटर ही है. कवि साहब तो आज तक थिएटर कर रहे हैं, मुनव्वर सईद आज तक थिएटर, काजी वाजिद साहब भी. काजी वाजिद साहब, देखिए ये चीजें हैं जो जिसकी वजह से मुझे अट्रैक्शन हुई और मैं की तरफ आया. फिर आई वेंट टू द नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा. अच्छा. फिर वहाँ मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से फर्स्ट बैग में ग्रेजुएट किया. हाँ. उसके बाद देन आई वेंट टू द जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स वॉशिंगटन डीसी. रियली? वहाँ मैं गया, वो एक फेलोशिप थी जो यूएस काउंसलेट कराची ने मुझे रिकमेंड किया था फॉर दैट फेलोशिप. तो आई वेंट देयर, आई टुक द फेलोशिप, और उसके बाद जो है फिर मैंने देन आई केम बैक टू पाकिस्तान. देन आई वर्कड लॉट फॉर थिएटर. उसके बाद ये हुआ कि डिफरेंट प्लेस करते रहे, और कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद. अच्छा, में इस वक्त आपके साथ कितने लोग हैं, क्या टीम है आपकी, लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा हैं? देखिए मिक्स टीम है हमारी, मिक्स है, लोग आते जाते रहते हैं. और कौन कौन सी फील्ड से हैं सब? अब नॉर्मली हम वो लोग लेते हैं जो अभी नए होते हैं. अच्छा. उनको ट्रेन करना ज्यादा आसान होता है, उनको ट्रेन किया जाता है. लेट्स सपोज अगर कोई आपके पास, जैसे रैंडम कोई आता है जिसने एक्टिंग का सर पाऊं जिसको नहीं पता, मैं आपके पास आई हूं, मुझे एक थिएटर करना है, मुझे थिएटर में पार्टिसिपेट करना है, मुझे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या है? देखिए उसके लिए बहुत इजी ये होता है कि एक तो पहले उस मुलाकात की जाती है, फिर देखा जाता है, एक छोटा सा ऑडिशन लिया जाता है, ऑब्वियसली फिर हम एक मार्किंग का हमारा सिलसिला होता है कि उसे अगर हम दो तीन लोग बैठ के उसको जज करते हैं कि क्या वो इस काबिल है कि वो थिएटर कर सके. देखिए अच्छा, टेलीविजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैमरा को फेस करना. सही. और दूसरी बात ये कि आपके एक्टिंग के तमाम रूल्स उसको आते हों. लेकिन थिएटर में ये होता है कि वो सर के बाल से पैर के अंगूठे तक कम्प्लीटली नजर आ रहा होता है. नो एडिटिंग, आपको लाइव स्टेज के ऊपर दिखाना और आपको वही रिस्पॉन्स आता है. और दूसरी बात ये कि अगर आप खुदा ना खास्ता अपने डायलॉग स्टेज पे भूल गए हैं तो आपने उसे कैसे एडलिप करना है, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. एग्जैक्टली. तो ये सारी चीजें लेते हुए फिर हम उसको ट्रेन करते हैं, फिर हम मुख्तलिफ जो हमारे रिहर्सल्स होते हैं उसमें उसको एंगेज करते हैं. कोई पहले सपोर्टिंग कैरेक्टर, छोटा कैरेक्टर दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सामने लाया जाता है. तो इस तरह वो एक ऐसा हो जाता है. लेकिन जब वो तैयार हो जाता है वो टेलीविजन की तरफ आ जाता है. तो ये बेसिकली ये है कि हमारी एक ऐसी नर्सरी है जो टेलीविजन को नए लोग दे रही है ट्रेन करके. ये सब
अच्छा, आप लोगों ने कई उर्दू प्लेस के साथ साथ बहुत सारे वर्ल्ड क्लासिक्स भी प्रोड्यूस किए हैं, कौन से किए हैं इसके बारे में? हमने वेटिंग फॉर गोरो किया सैमुअल बकेट का, उसके बाद एक्सपीरियंसेस बताएं कि आपको बहुत अच्छा रहा और दूसरी जबान में करने में क्या फर्क लगा? देखिए, उसमें ये है कि इंग्लिश में जब आप कोई काम करते हैं तो वो क्योंकि इंग्लिश राइटर्स का लिखा होता है तो उसका एसेंस जो है वो उसी तरह नजर आता है, बिल्कुल जिस तरह राइटर ने उसको कंसीव किया था आज से 100 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले लिखते हुए। जब आप उसी चीज को उर्दू ट्रांसलेट करते हैं या उसका अडाप्टेशन करते हैं, देखने में वो चीज भी बेहतरीन होती है, देखने वालों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसको एक वेस्टर्न काम को आप ईस्टर्न काम में ढालते हैं तो जाहिर है कुछ चेंज तो आता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी कुछ रिवायात ऐसी हैं जो हम थिएटर पे नहीं दिखा सकते, वेस्ट में क्लियरली दिखाई जाती है, तो इस वजह से हमें उन चीजों को हाइड करना होता है, छुपा देना होता है, कुछ को सामने लाना होता है, तो ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट। अच्छा, सक्सेसफुल, सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्शन अभी तक? हमने इस्लामाबाद में एक नेशनल फेस्टिवल हुआ था, उसमें जो परफॉर्मेंस की थी उफ ये बीवियां, ये बड़ा इट वाज अ वंडरफुल प्ले। और ये इम्तियाज अली ताज का बीवियों पे बेचारियों पे क्यों कुछ देखिए, ये हमारा कोई कसूर नहीं है, ये इम्तियाज अली ताज बड़े क्लासिक राइटर हैं पाकिस्तान के, उनका लिखा हुआ प्ले है और वो मुझे नईम ताहिर साहब ने इस्लामाबाद से भिजवाया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इसको करें और इसको फेस्टिवल में लेकर आएं। तो वो हमने पाकिस्तान में तैयार किया लास्ट ईयर और वो किया। उसके बाद हमने उमर मारवी किया, उमर मारवी वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी ओपरा, फर्स्ट पाकिस्तानी ओपरा परफॉर्मेंस विच वी परफॉर्म एट DHA गोल्फ क्लब इन कराची। और जो लोगों ने देखा, जी जो उसने देखा, वो आप यकीन कीजिए कि लोगों ने ये कहा कि यार सिंध की जो लोक दास्तान फोल हमने उमर मारवी पे किया, वो उमर मारवी आज से पहले इस तरह कंसीव नहीं की गई, बिल्कुल जिस तरह मारवी का कुआं हमने दिखाया और जिस तरह सिंध की लोक दास्तान को हम सामने लाया और वो भी ईस्टर्न स्टाइल में ओपरा की फॉर्म में। ओपरा एक वेस्ट का जॉनर है लेकिन हम उसे ईस्ट में लेकर आए, मतलब ये चीज कितना जबरदस्त बना बहुत। हमने इनिशियली उसको 1 घंटे का रखा और 1 घंटे का जो वहाँ पे माशाल्लाह बड़े नाम बैठे हुए थे जो उसको देख रहे थे, वो कह रहे थे कि यार हमने पहले इस तरह लोक दास्तान की कंसीविंग नहीं देखी है। अच्छा, ये प्लानिंग कैसे होती है, कैसे आप लोग इसको एक एक चीज को जैसे प्रिपेयर करना, जैसे आपने कहा हमने ईस्टर्न वे में दिखाया ओपरा को, तो कैसे इसकी प्लानिंग होती है? I usually work my team. I have my associate director Alamgir Khan, जिनके साथ बैठ के मेरी different discussions होती हैं, मेरी और team में लोग भी हैं। तो ये जो एक team होती है, वो team के साथ जो conceiving building build-up होती है conceiving, वो मैं समझता हूँ कि इतनी बेहतरीन हो जाती है और उसमें हम जो नई चीज़ें और current चीज़ें, आजकल का जो फैशन चल रहा है उस हिसाब को भी बीच में लाना होता है, तो मतलब वो सारी चीज़ें लेके हम एक टीम वर्क में काम। अच्छा फैसल, इस वक्त आजकल, पहले की बात छोड़ें, पहले लोग कैसे थिएटर देखना चाहते थे, क्या थे, लेकिन आजकल की सिचुएशन को देखते हुए लोग किस किस्म के प्लेस देखना चाहते हैं और कैसा रिस्पांस आता है आप लोगों की ऑडियंस, जो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? देखें, हमारी टारगेट ऑडियंस तो कॉमेडी देखना चाहती है, हमने ये चीज़ देखी क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है दुख इतना ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, तो हर आदमी चाहता है कि अगर हम घर से निकल रहे हैं या 500,000 रुपए का टिकट खरीद के फैसल हम इस पे बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मैं आपसे थोड़ी सी एक्सक्यूज करूंगी कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मत जाएगा। थिएटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें जरूर सामने लाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।